दोस्तों ये पोकेमॉन अर्थ के ओजन लेयर में रहने के कारण इसको ग्राउंड यानी नीचे से देखा नहीं जा सकता। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट के एक्सपेन लेजेंडरी सीरीज में, और आज हम बात करने वाले हैं वेदर ट्रायो का आखिरी मेंबर यानी लेजेंडरी पोकेमॉन रायक्वासा के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहें। दोस्तों रायक्वासा एक ड्यूअल टाइप यानी ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसको कि जनरेशन 3 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका कोई भी इवोल्यूशन फॉर्म नहीं है, लेकिन इसका एक मेगा इवोल्यूशन फॉर्म है जिसका नाम मेगा रायक्वासा है। ये पोकेमॉन वेदर ट्रायो का एक मेंबर भी है जिसमें टोटल 3 पोकेमॉन आते हैं जिनका नाम ग्राउडन, कायोग्रे और रायक्वासा है। रायक्वासा का नाम रायक्वा वार को बेस करके बनाया गया है। हिब्रू मैथोलॉजी में रायक्वा का मतलब आकाश यानी आसमान होता है। दोस्तों रायक्वासा का डिजाइन चाइनीज ड्रैगन और लिंड वॉर्म के ऊपर बेस करके बनाया गया है। रायक्वासा का रोल या फिर एबिलिटी थोड़ा बहुत एजेटक यानी मेसो अमेरिकन गॉड क्वार्टल कोड से मिलता है, और ये गॉड को फ्लाइंग सर्पेंट के हिसाब से रिप्रेजेंट किया गया था। ये एक ऐसे गॉड है जो कि अर्थ और स्काई के बीच में एक बाउंड्री को क्रिएट किए थे, और मेसो अमेरिकन धर्म के लोग ये गॉड को हवा और ज्ञान का भगवान मानते हैं। रायक्वासा एक बहुत बड़ा ग्रीन कलर में सांप और ड्रैगन के कॉम्बिनेशन जैसा दिखने वाला लेजेंडरी पोकेमॉन है। इसके पूरे बॉडी में येलो कलर का स्ट्रीप जैसा बना हुआ है और हेड में एक गोल शेप का पैटर्न भी बना हुआ है जो कि येलो कलर में है। रायक्वासा का 2 हाथ भी हैं जिसमें 3-3 पंजे हैं। इसके सर पे 2 लंबे सींग भी हैं। इसके आँख छोटे छोटे हैं जो कि येलो कलर में होता है, और इसका आँख का पुतली ब्लैक कलर का होता है। लेकिन मेगा रायक्वासा का फॉर्म का बॉडी नॉर्मल फॉर्म के बॉडी से और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और साथ में इस फॉर्म के दौरान इसका और भी पावर बढ़ जाता है। इसका सर और भी लंबा हो जाता है नॉर्मल फॉर्म के मुकाबले। इसके सर पे एक ट्रायंगल का सिंबल भी बना हुआ होता है, जबकि नॉर्मल फॉर्म में हमें एक गोल सिंबल देखने को मिलता है। इसका आँख का पुतली ब्लैक से बदल के येलो कलर में चेंज हो जाता है। रायक्वासा का मेगा फॉर्म में इसका लिप्स रेड कलर में और दांत गोल्ड कलर में चेंज हो जाता है। इसका सिंग से 2 बड़े बड़े स्ट्रीप भी निकल आते हैं जो कि ऑरेंज और येलो कलर में होते हैं। ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो रायक्वासा अपने मेगा इवोल्यूशन फॉर्म में बहुत ही कलरफुल और ताकतवर हो जाता है। ये कहा जाता है कि रायक्वासा के बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो कि मेगा स्टोन के बराबर पावरफुल होता है। डिवन कॉर्पोरेशन के एक साइंटिस्ट के द्वारा उस ऑर्गन का नाम मिकाडो दिया गया था। जब जब मिकाडो ऑर्गन में एनर्जी भर जाता है तब तब रायक्वासा अपने मेगा इवोल्यूशन फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये पोकेमॉन वेदर ट्रायो के सभी पोकेमॉन को शांत कर सकता है चाहे क्यों ना वो अपने प्राइमल फॉर्म में हो। ये कहा जाता है कि रायक्वासा 100 मिलियन साल तक ओजन लेयर में सोया हुआ था। ये पोकेमॉन को बहुत ही कम देखा जाता है लोगों के द्वारा। रायक्वासा ही सिर्फ एक ऐसा पोकेमॉन है जो ड्रैगन एक्शन मूव को जानता है। ये पोकेमॉन ज्यादा करके अर्थ के ओजन लेयर में उड़ता है, और इसी के वजह से इसको देखना भी मुश्किल हो जाता है। वेदर ट्रायो में रायक्वासा सिर्फ एक ऐसे पोकेमॉन है जिसका मेगा इवोल्यूशन फॉर्म है, बाकी 2 पोकेमॉन का प्राइमल फॉर्म है। ये कहा जाता है कि ये पोकेमॉन 1-हिट नॉकआउट मूव भी जानता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल मूव है। मेगा रायक्वासा का हाईएस्ट अटैक और हाईएस्ट बेस स्टेट टोटल सभी ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन में सबसे ज्यादा है। मेगा रायक्वासा सभी फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन में से सबसे टॉलेस्ट पोकेमॉन है, और खास बात यह है कि मेगा रायक्वासा सभी लेजेंडरी पोकेमॉन में से सबसे टॉलेस्ट पोकेमॉन है। रायक्वासा का सबसे पहला मेजर रेफरेंस डेस्टिनी डिऑक्सिस मूवी में हुआ था, जहां रायक्वासा डिऑक्सिस पोकेमॉन के साथ बैटल किया था। इसके बाद रायक्वासा का अपीयरेंस मेगा इवोल्यूशन स्पेशल 2 में हुआ था, जिसमें रायक्वासा अपने मेगा इवोल्यूशन फॉर्म में चेंज हो गया था। रायक्वासा का सबसे पहला कैमियो अपीयरेंस पोकेमॉन रेंजर्स एंड द टेंपल ऑफ सी में हुआ था, जहां टीम रॉकेट रायक्वासा को कैप्चर कर लिए थे। इसके बाद रायक्वासा का और भी कैमियो अपीयरेंस हुआ था, जैसे कि लुकारियो एंड द मिस्ट्री ऑफ म्यू में,
और सौराधक मॉन्स्टर ऑफ इलुसिनेशन मूवी में। तो दोस्तों यही था लेजेंडरी पोकेमॉन रैक्वासा के बारे में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों आपसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।